भाई आज मेरा बनारस में तीसरा दिन है और आज मेरी सुबह की शुरुआत होगी बाबा काल भैरव के मंदिर के दर्शन के, जो कि भाई बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध, फेमस और प्राचीन है। तो यहाँ से जाने का द्वार है और ये भाई साहब रेडी हो चुके हैं और मैं भी रेडी हो गया हूँ, तो भाई चलो फिर दर्शन करने चलते हैं। पूछ लो, देखो कितने का, कितने का दे रहे, इक्यावन का है। इसमें ऐसा क्या है जो 51 का है? एक और ले। हाँ, दो ले लो। मस्त लाइन लग रखी है। तो भाई हम लोग ने भाई दर्शन वर्शन कर लिए हैं और अब हम लोग जा रहे हैं मतलब बनारस की सबसे फेमस श्री जी की मलायो। भाई बहुत ही ज़्यादा सुना है और उसके बारे में कैसी लगती है, क्या लगती है? फर्स्ट टाइम, मेरा भी फर्स्ट टाइम है भाई, मतलब फर्स्ट टाइम क्या, अब नाम ही सुना है। तो इसी गली में है, पतली पतली गलियों में, गूगल मैप जहाँ लेके जा रहा है वहाँ लेके चल रहे हैं हम लोग। तो भाई देखते हैं भाई क्या एक्सपीरियंस होने वाला है यार। भाई मुझे, मैं अगर पसंद आई मैं 3-4 खाने वाला हूँ। हाँ सही में, सच में। ओके नहीं तुम कितनी खाओगे? 10। हटाओ, बंद करो ब्लॉग। मलायो कहाँ है भाई? हम लोग गलत जा रहे हैं यार। यही ये चूतिया मैप है भाई, मैप, ओ सॉरी लोकेशन कितनी, अभी एग्जैक्ट में मैं यहाँ पे हूँ, सॉरी क्या कह रहे हैं, यहाँ पे हूँ, यहाँ अभी शो कर रहा था तो मुझे लगा मैं गलत आ गया हूँ। अबे भाई मैं फेंक दूंगा गूगल को। ये बनारस में आओ भाई और गलियों में घूमो, बस ऑल अबाउट पेंटिंग एंड गली एंड घाट्स, 84 घाट एंड टेम्पल्स एंड फील मोक्ष फलाना ढिंडाना। हम लोग मलायो खाना में इतने लीन हो चुके हैं, गली गली भटक चुके हैं पूरी। ये देखो अभी देखो कहाँ दिखा रहा है, ये देखो ये देखो ये देखो, नहीं नहीं रीसेंटर नहीं, ये इतना गलत लोकेशन कैसे दे सकता है। फाइनली भाई गली गली भटक के अब हम लोग पहुंचे हैं यार, अब पता नहीं कितनी खाने वाले हैं। देखो ये रही श्री जी, मस्त भीड़ हो रखी है भाई, मस्त। इधर आओ, ये रही भाई हमारी मलायो, और मैं कैमरा मोटा नहीं कर सकता। ये रही हम लोग की मलायो, इसको मुंह में डालो और पूरी गायब हो जाती है, मतलब गुल गई, बहुत ज़्यादा ही अच्छी लग रही है। एक तो और खाऊंगा मलाई, वो खाने के बाद दूध लेना ना। बोलोगे कैसे, वो बुला बुला के दे रहे भाई, वो भैया जो कि दे रहे हैं। चलो भाई लेने चलो, ओह शिट, ला भैया दो। धन्यवाद। जितनी अच्छी मलाई है उतना अच्छा दूध भी है। ये दूध है ना भाई, अच्छा दूध भी अच्छा लग रहा है मेरे को, दूध तो और भी अच्छा लग रहा है भाई। भाई बहुत ही ज्यादा अच्छा है भाई, बहुत ही ज्यादा, इतनी बेहतरीन मलायो थी कि मैं क्या बताऊं भाई, बहुत ही ज्यादा मजे। तो बताओ यार, मैं क्या बताऊं, मैं ये सोच के आया था कि 100 रुपए की होगी लेकिन 50 रुपए की, भाई वर्थ इट है। मलायो के बाद वो लोग दूध भी देते हैं भाई थोड़ा सा, भाई अलग ही मजे है। बताओ तुम्हें कैसी लगी? भाई मैं नहीं बता सकता, मैं तो भाई आओ खाओ देखो जाके खुद ही, आप बताओ बताओ। हाँ यही 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 मैं भी बोलने वाला था, बस मैंने हिंदी में बोला। तो भाई अब हम लोग एंट्री कर रहे हैं सत्यनारायण तुलसी मानस मंदिर में। आज हम लोग का पूरा ही हो जाएगा, आज हम लोग का पूरा दिन ऐसे ही जाने वाला है, मंदिर टू मंदिर ट्रैवल करेंगे। ये भाई साहब एक फैमिली की फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं, समाज सेवा में जुड़ चुके हैं। पता चला है कि थोड़ी देर में ही बंद होने वाला है, तो हम लोग थोड़ा जल्दी से, जल्दी बंद होने वाला है, आओ जल्दी 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 चलो जल्दी चलो, आओ जल्दी से दर्शन कर लेते हैं। तो अभी हम लोग तुलसी मानस मंदिर के सेकंड फ्लोर पे आ चुके हैं और ये रहे यार नीचे वाला फ्लोर, और अभी हम लोग यहाँ पर हैं।
क्यों है? दर्शन करने के लिए। तो भाई यहाँ पर है रामलीला की झांकी जो कि 10 रुपए का टिकट है, तो ये भाई साहब ले रहे हैं टिकट दो लोग और अंदर चलेंगे फिर हम लोग झांकी देखने। यहाँ पर उमा महेश्वर संवाद। तो अब हम लोग जा रहे हैं न्यू काशी विश्वनाथ टेम्पल। भाई वैसे तो मैं बहुत ही ज्यादा शर्मीला हूँ लेकिन पहली बार मैंने इतनी भीड़ में जयकारा लगाया था। बोले बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सब लोग रेडी रहना, बोलो हर हर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव। जयकारा लगाने के बाद हम लोग ने हाथ से टच करके स्पर्श दर्शन किए और उसके बाद निकल गए हम लोग मंदिर से। तो अभी हम लोग कुछ खाने के लिए यहाँ पर रुके हुए हैं और हम लोग ने फिर 2 कोल्ड कॉफ़ी ली जो कि 40 रुपए की एक थी, तो भाई काफ़ी सही लगी। फिर हम लोग ने रास्ते में लिए पॉपकॉर्न जो कि 10 रुपए का एक पैकेट था भाई, क्योंकि बनारस में जितना घूमा जाता है उतना ही खाया भी जाता है, तो हम लोग खाने में कोई कमी नहीं किए। और उसके बाद हम लोग पहुँच गए पहलवान लस्सी के पास। हाथ बड़ा टेढ़ा है। ये देखो गाइस 80 घाट के बगल में झूला लगा हुआ है और हम लोग का पता नहीं मन है भी झूलने का कि नहीं, लेकिन आ गए तो क्या पता झूल के जाए। क्यों झूलना? ये नीचे सही बता, झूलना है मैं झूलूंगा। चलो भाई ये वाला झूलेंगे अपन, ये वाला। ये भाई इसमें कैमरा में छोटा लग रहा है, बहुत बड़ा है भाई, ये बहुत ऊंचा है। टिकट ले, एक वॉलीबॉल के सारे ग्लास गिराने पर एक गिफ्ट इनाम दिया जाएगा, एक भी गिलास खड़ा हो रहने पर कुछ भी नहीं मिलेगा। 20 रुपए का है करने के लिए, एक चांस 20 रुपए। मारिए रजत सर, मार। हाँ लगा अगर सीधा सीधा पड़ गया सारे जाएंगे तेरे। मार देना, पैसा बर्बाद है। तो भाई अब हम लोग भी ये वाला झूलने जा रहे हैं, ये लीजिए 160। हाँ कहीं भी बैठ जाएंगे, खराब तो नहीं है ना, ये लॉक हो गया ना, हिलेगा तो नहीं। अच्छा है भाई, अभी रोक दे, हटाओ, मैं 10 रुपए ज्यादा दे रहा हूँ। चप्पल में इतनी जोर से पकड़ कितनी ऊपर जाना बचा ही है देखो। अरे भाई अभी बहुत ऊपर जाना है भाई, रोक तो हो गया, 80 रुपए वर्थ हो गया भाई, 80 रुपए वो हो गया भाई। हमें इसको बदलते हैं, इसके लिए मत आना, कोई मत आना भाई। यहाँ से लेकिन व्यू बहुत अच्छा आ रहा है, ये देखो, ओहो कती जहर, कती जहर, बहुत ज्यादा अच्छा आ रहा है। ओहो ओहो ओहो, अब लग रहा है मैं सुपरमैन हो गया हूँ। नहीं भाई साहब हम लोग क्या कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। टहल लें भाई, भाई ये पता है अगर ये इतने स्पीड बढ़ाई ना अभी तो हम भाई वही तो नहीं करना, उल्टी हो रही तुम्हारी। नहीं मैं किसी के मुंह पे करने वाला हूँ अभी, झूला वूला छूट जाएगा बेचारे का धंधा बंद हो जाएगा। मुझे लग रहा था यार बहुत ज्यादा मजा आएगा, 40 रुपए का झूला 80 रुपए में दे रहे भाई, बेकार है भाई। तेज घुमाना था भाई, आंखें चौंधी आ जाए भाई, बंद कर दो, बेकार है जी, ऐसे क्यों लेगा, तोड़ दो यार। चलो भाई खत्म, 80 रुपए गए तेल लेने, वेस्ट हो गया। बोल दो अब हम लोग ये वाला झूला झूलने वाले हैं जिसका प्राइस इसका भी 80 रुपए है और एकदम हम लोग एकदम टॉप पे बैठे, एकदम ऊपर जाता कि एकदम वाला फील आ जाए, ऐसे हो जाएंगे भाई। हमारे आगे 2 कन्याएं बैठे, हम दो देखो सबको कोने वाला चाहिए। यहाँ पर देखो कुछ लोग बैठे हुए हैं, 2 आगे की 3 सीट में, बीच वाला पूरा खाली है और लास्ट की जो 2 सीट है वहाँ पे ये दोनों और हम गलत झूले मांगे हम लोग। अब जाके चालू होने वाला है, लाइट बंद कर दी गई है भैया, भाई चालू हो गया, चालू हो गया, बस हो गया, उतार दो बस। मेरा हो गया भाई,
भाई मजाक चटके ये वाले भाई मजाक चटके ओ भाई और ये मार ये वाला ना तगड़ा भाई अरे भाई यार क्यों किस लिए अबे रुक अबे रुक अरे भाई क्यों यार मेरे हाथ कांप रहे फोन छूट जाएगा बट अबे और अरे भाई किस लिए भाई मैंने तेरा क्या गुनाह है घाट देखो 80 घाट देखो भैया अरे मम्मी ये नीचे क्यों जा रहा है भैया की बहन बच गई है और अरे भाई चलो कितना ओ भाई साहब यस यस अरे रे 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 अरे रे मेरे पैर कांप रहे भाई मेरे पैर कांप रहे भाई भाई मैं बनारस का नहीं हूँ अबे मैं बनारस का नहीं हूँ उतारो लखनऊ जाना है मेरे को अबे भाई घर जाना है मेरे को भाई उतार दे 10 रुपए ले उतार दे भाई अबे क्या 360 करेगा अबे पागल हो गया ये पागल हो गया ये एक बार और 80 रुपए दिए 800 रुपए नहीं यार अबे 80 रुपए अबे पागल अबे 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 पी ये पीछे चला रहा है क्या चेक में कर अबे भाई यहाँ पे बैठने की बहुत बड़ी गलती कर दी नहीं बैठूंगा यहाँ पर अबे भाई रोक दे भाई मेरा बहुत कुछ बाहर आ रहा है रोक दे 80 घाट भी जाना है मेरे को रोक दे लखनऊ बहुत दूर है अबे क्या क्यों भाई किस लिए कहे अच्छा रोक रहा था बेस्ट भाई बहुत ही ज्यादा बेस्ट अबे बहुत मरना है नहीं चलो भाई घर चलो हो गया अब नहीं जा पाएंगे Tomorrow. तो आज हमारा बनारस में चौथा दिन है जिस दिन हम लोग जाएंगे घर लेकिन ट्रेन दोपहर की 12 बजे की थी तो हम लोग ने सुबह वाली बोटिंग कर ली हम लोग ने दशाश्वमेध घाट पे एक प्राइवेट बोट ले लिया है सिर्फ 2 लोग हैं हम और ये भैया और अंकल जी हम लोग को घुमाएंगे 40 घाट घुमाने वाले वहाँ से लेके वहाँ तक की राजा हरिश्चंद्र घाट से मणिकर्णिका घाट बनारस सुबह बनारस भैया बना हुआ रस बाए सुबह बनारस भैया बना हुआ रस बाए हर रसो का रस भाई बनारस और ये तो करना है बंदा चाहे 1 घंटे के लिए आओ या 1 दिन के लिए आओ भाई आरती करो यहाँ दशाश्वमेध घाट पे है ना और बोट ले लो भाई और अगर मॉर्निंग की है ना तो सबसे बेस्ट है एक मॉर्निंग की लो और एकदम सबसे रात की लो हुआ रस को पिए के होई यहाँ बना रस पी लो गाइस हम लोग पानी के बीच में चारों तरफ पानी से गिरे हुए हैं गंगा मैया वो वाला मीम जो है उसमें क्या चारों तरफ कोरा ही कोरा हमारे चारों तरफ पानी हमने ये भी सेफ्टी वाले जैकेट भी नहीं डाल रखे हैं हम लोग की मौत पक्की है अगर हम पानी में हैं या पानी हमें कुछ पता नहीं है सदियों से हम बना हुआ रस बाय घाटों का तो भाई अभी तो हम लोग कर रहे हैं बोटिंग प्राइवेट वाली चल गया इन 3 दिन में यार बहुत कुछ जानने को मिला बहुत जगह घूमा खासकर ये जो काशी विश्वनाथ है वहाँ पे तो 2-2 बार दर्शन किए सुबह 3-3 बजे उठकर और
जब से आया हूँ तब से भाई सोया तो एकदम ही नहीं हूँ, मतलब ये और एनर्जी तो जिस लेवल की, यहाँ पर जब आप आओगे ना तब आपको पता चलेगा। चलो वैसे भी मेरी फर्स्ट ट्रिप थी, और अगर फर्स्ट ट्रिप बनारस से हो तो भाई आगे की ज़िंदगी बहुत अच्छी जाने वाली है। तो मुझे नहीं लगता ये मैं पहली बार बनारस आ रहा हूँ, मुझे लग रहा है भाई 10-15 बार तो अभी चक्कर लगने वाले हैं, या वो भी इन्हीं के साथ शायद। और जो भी चीज़ हुई है एक्स वाई जेड, मतलब छोटी से छोटी चीज़ हुई ना वो एकदम बेस्ट हुआ है, चाहे भले खराब खाना खाया हो या होटल में कुछ खराब एक ही बार खाया, सब कुछ अच्छा था, बेस्ट एक्सपीरियंस था। तो भाई इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, आई होप आपको ये जितने भी पार्ट्स आपको मिले हैं तीन पार्ट्स, वो सब आपको बढ़िया लगे होंगे, और अगर बढ़िया लगे होंगे तो बस एक लाइक कर दीजिएगा। फिर से मिलते हैं आपसे एक बेहतरीन एक एपिक से व्लॉग में, और वीडियो शेयर करना भी ना भूलें। मैं अपने हाथ से गंगा मैया को टच कर सकता हूँ, ये देखो गाइस। मैं यहाँ पे बोटिंग करने आया था, मेरे को लगी थोड़ी नींद तो सोच तो मैं सोने लगा। ना टंकी कम कर रहे बता। मुझे बता। हाँ ये कर लो पहले।